हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पटियाल ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से नई कार्यकारिणी की घोषणा की। नई कार्यकारिणी में 11 उपाध्यक्ष, 15 महासचिव, 13 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 18 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। सुरेश पटियाल ने बताया कि नई कार्यकारिणी में हमीरपुर ब्लॉक के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों, वर्गों, महिलाओं और युवाओं का ख्याल रखा गया है और कमेटी का गठन विधिवत तरीके से किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में कार्यकारिणी के प्रत्येक पदाधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी को निभाने में बेहतरीन काम करेंगे। सुरेश पटियाल ने कहा कि कार्यकारिणी का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में एक सशक्त संगठन तैयार करना है और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि NSUI के आगामी दिनों में चलने वाले अभियान के तहत धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर भाग लेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व विधायक अनिता वर्मा भी मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री कुलदीप सिंह राठौर जी द्वारा, जो कि अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश हैं कांग्रेस के, उनकी अप्रूवल के बाद ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी हमीरपुर का गठन हो चुका है और जिसकी आज घोषणा की गई है, विधिवत घोषणा। इस कार्यकारिणी में सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और सभी वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो महिलाएं हो, जनरल वर्ग हो, OBC हो, SC ST हो, या हमारे नौजवान साथी हों, भूतपूर्व सैनिक हों, सबको यानी कि इसमें सम्मिलित किया गया है। और इस कार्यकारिणी में 11 उपाध्यक्ष और 13 सचिव, 13 जनरल सेक्रेटरी, 15 आपके सचिव बनाए गए हैं, 1 कोषाध्यक्ष है और 18 कार्यकारिणी सदस्य हैं। कुल मिलाकर 58 होते हैं और मुझे मिलाकर 59 हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस कार्यकारिणी की आज घोषणा की गई है और मेरी कार्यकारिणी के सदस्य को बहुत बहुत बधाई है पार्टी की ओर से भी और मेरी ओर से भी। और मैं उनसे ये मनोकामना करता हूँ कि पार्टी जो भी उनको आदेश दे, उस दायित्व को बड़े सत्य निष्ठा से निभाएं, यही मेरी मनोकामना है। हमारा कोशिश रहेगी कि हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार हमीरपुर ब्लॉक में पार्टी संगठन को और मजबूत करेंगे और संगठन को ऐसा रूप देंगे कि दूसरी पार्टी को टक्कर और कड़े ढंग से दी जा सके और अपने कैंडिडेट को हम जीत सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।